हेलो गाइस, चेंज योर लुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं चार ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके स्किन ग्लो के लिए, आपके फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको आप फॉलो करोगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ चार प्रोडक्ट है जो जिसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन है जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो फेस का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो होगा। सेकंड वन जो है हम घरेलू तरीका जो भी घर में हम यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड वन है वो आपके मेडिसिन में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा जो नॉर्मल सा अवेलेबल होता है मार्केट में। और लास्ट वन है जो फोर्थ वन, वो है डाइटिंग। जो डाइट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या होगा उस डाइटिंग में मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कीजिए और बेल वाले घंटे को जरूर दबा दिए, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो अभी डालूंगा, क्योंकि आपका फ़ायदा होगा और इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी मैं चीज़ बताऊँगा वो सच में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ठीक है, फर्स्ट थिंग है जो प्रोडक्ट, जो फेस के लिए आपके प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट जरूरी है, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ, कौन सा प्रोडक्ट लगाऊँ, यार इसका फेस अच्छा है, ये जो बताता है वही सही होगा। नहीं भाई, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनकी स्किन को सूट करता है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा कि आपकी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सही है। तो मैंने तीन और चार प्रोडक्ट जो यूज़ किए थे, जो जिसमें से मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट जिन चीज़ों का मिला वो मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गार्नियर का है प्योर एक्टिव 3-in-1, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको स्क्रब भी मिलेगा और फेस वॉश भी मिलेगा। यह सबके बल्कि दिन में आपको दो टाइम इसको यूज़ करना है। और ये मैं इसका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे इसका नेचुरली लुक मिला है और मेरे फेस पे पहले बहुत से पिंपल हो जाते थे, तो उसको इसने कवर किया है। तो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो भी मार्केट में बहुत ही चीप प्राइस पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये BLCC का है, नेचुरल साइंस। और ये मैं यूज़ करता था सनस्क्रीन जब मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अगर आप बाहर निकलते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो सन की लाइट से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो आपकी स्किन को ज़्यादा डार्क बना देता है, जो आपको अच्छा नहीं आता। आप कोई भी पिक्चर खींचते हो, आप फिल्टर यूज़ करते हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप इसको यूज़ करना है, जब भी आपको घर से बाहर निकलना है तो इसको थोड़े से अमाउंट में यूज़ करके अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो ये प्रोडक्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लास्ट प्रोडक्ट है जिसको मैं वीक में बेसिकली 2 times यूज़ करता हूँ, इसको हफ्ते में आपको सिर्फ 2 times यूज़ करना है। जब भी आप कहीं आउटिंग पे गए हो या कहीं दूर अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बाइक के ऊपर आप बेसिकली आप सब राइड करते हो, घर से भी जाना है दुकान पे तो बाइक लेके जाओगे बेसिकली, आई नो कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट है जो ब्लैक मास्क का, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको अमेजोन पे मिलेगा और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे आपका जो ब्लैक हेड्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे और आप अपने फेस पे अच्छा सा ग्लो देखोगे। और ये वाला मास्क भी बहुत ज़रूरी है, तो आई होप अगर आपके लिए ये हाँ बजट में है तो प्लीज़ इसको बाय करो। सेकंड टिप्स है कि घरेलू नुस्खा। हाँ, आपको क्या करना है, घरेलू नुस्खे के लिए आपको नॉर्मली बेसन होता है ना, बेसन को घोलो, उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डालो और उसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दो और लिख के ले लो, उसको सूखने तक वेट करो। जब आप उसको उतारोगे आपके फेस पे नेचुरल लुक आएगा। आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन वो सच में अच्छा है कि आपको घरेलू नुस्खा, वो बेसन वाला बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और थर्ड वन है जो मैंने बोला था कि आपको मेडिसिन कौन सा इंपॉर्टेंट चाहिए, मतलब कौन सा मेडिसिन इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये तो मैं विटामिन ई 1000 IU यूज़ कर रहा हूँ, ये 670 mg है, ये विटामिन ई है। तो एक मिलता है ग्रीन कलर का, जो हमें टैब मिलती हैं जिसमें ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं हाई पावर का यूज़ करता हूँ, ये सोने से पहले मैं एक यूज़ करता हूँ, इसको मैं खा के यूज़ कर, अगर मैं देखता हूँ कि हाँ बाहर डस्ट से आया हूँ, तो मैं इसका इस कैप्सूल को काट के इसके बीच में से ऑयल निकाल के उसके 2 drops अपने फेस के ऊपर अप्लाई करता हूँ एज ए फेस मास्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन ग्लो के लिए, आपके स्किन पे पिंपल नहीं रहेंगे। और जो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको सोने से पहले लेने में मिलेगा, जब आप सोने जा रहे हो बेड पे, तो इसको
एक कैप्सूल ले लो अपने खाने के बाद, खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लो। और मैं तो इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था और मेरे डॉक्टर ने ही मुझे ये सजेशन दिया था कि इसको यूज़ करो। प्लीज़ आप किसी डॉक्टर के पास जाके एक बार पूछ लेना अगर आपने यही सेम यूज़ करना है। लेकिन ग्रीन वाला तो नॉर्मली आप ले सकते हो, जो ग्रीन वाला हमें मिलता है कैप्सूल। तो फोर्थ टिप है डाइट। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बिना डाइट के तो ये प्रोडक्ट भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो आपको प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन प्रोडक्ट्स की भी। आपको डाइट में क्या करना है आपको मैं बताऊँगा, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए यार, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उस डाइट को मैं नेचुरली आपको डाइट बताऊँगा जो आपके घर में सब कुछ अवेलेबल होता है। तो उस डाइट में मैं क्या ऐड करूँगा, आपको लेमन चाहिए, ठीक है। सुबह जब आप उठते हो, उठते टाइम आपको लेमन डालना है गर्म पानी में और उसको पीना है, क्योंकि लेमन आपके जो भी शरीर में जितना भी ज़्यादा चर्बी वगैरह जो भी है उसको सब कुछ सेट कर देता है। और रात को सोते टाइम भी आपको थोड़ा डाइट हल्का फुल्का खाना है। ये नहीं कि रात को सोते टाइम 10-12 चपाती खा के आप सो रहे हो, तो नहीं भाई, हमें ज़्यादा भी हैवी भी नहीं होना है। तो आपको पानी मैक्सिमम पीना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको 3-4 लीटर पानी पीना है गाइस। ये मैं पहले मजाक समझता था, तो मैंने जब मुझे डॉक्टर ने भी किया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 1 महीने तक मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। तो मैंने पानी 3-4 लीटर पीना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो नॉर्मल बॉटल होती है 1 लीटर की, उसको मैंने 3 बॉटल रख दिया कि 3 बॉटल मैंने ख़त्म करनी है। तो वो जब मैंने पानी पीना स्टार्ट किया तो वो पानी से मुझे जो रिज़ल्ट मिला, मतलब मेरा स्किन पे ग्लो आने लगा। मैं जब पिक्चर खींचता था तो मुझे पता लगता था कि भाई अभी मेरे फेस पे कोई पिंपल नहीं रहा, पिंपल मतलब आते ही नहीं थे, ना के बराबर थे। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है। और डाइट में लाइट वेट सुबह जितना खाना है खाओ, लेकिन पराठा वगैरह खाना बंद कर दो भाई। ऑलिव ऑयल यूज़ करो अगर कर सकते हो, अगर आपके ठीक है बजट में है तो ऑलिव ऑयल यूज़ करो खाने में, नहीं तो नॉर्मली आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम खाओ, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस ऑल टिप्स, 4 टिप्स, और आपको ये फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कीजिए और मैं वो वीडियो बनाऊँगा।